चंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन आप यूक्लिड्स ज्योमेट्री के प्रश्नावली 5.1 को आज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। आप अपने बुक को खोल लीजिए क्योंकि पहले और दूसरे जो क्वेश्चन हैं वो बुक पे ही बताने लायक हैं। तो आप सभी लोग देखें अपने बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से ये है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं। ये सारी बातें यूक्लिड की अभिगृहितियाँ और यूक्लिड की अवधारणाओं से संबंधित हैं। तो इन धारणाओं और अभिगृहितियों के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताए थे। अगर वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो इन प्रश्नों का जवाब आप बड़ी सरलता से दे लेंगे। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ज़रा देखिए ये बिंदु है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बिंदु से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी केवल यहाँ से एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर यहाँ से हम इसको खींचें, यहाँ से इसको खींचें, यहाँ से इसको खींचें, यहाँ से इसको खींचें, यहाँ से इसको खींचें, तो क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से हो करके अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक रेखा नहीं अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला कथन दिया हुआ है ये पहला कथन असत्य है। अब इसके बाद हम दूसरे कथन को देखें। दूसरे में दिया हुआ है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ज़रा देखिए आप, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं से होकर के केवल एक ही रेखा में खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा वाला कथन है ये भी असत्य कथन है। अब इसके बाद हम तीसरे कथन को देखें। तीसरे कथन में दिया है एक शांत रेखा। हमने आपको बताया था कि रेखाखंड को ही यूक्लिड ने शांत रेखा का नाम दिया था। तो रेखाखंड, ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को चाहे तो हम इधर के तरफ भी बढ़ा सकते हैं और चाहे तो हम इधर के तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो यह तो सत्य है, शांत रेखा को दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा कथन था यह तीसरा कथन सत्य है। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पर। देखें ये फोर्थ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग देखें। हाँ, इसमें दिया हुआ है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं, दो वृत्त बराबर, देखिए
दो वृत्त बराबर, जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, तो जब दो वृत्त बराबर होते हैं ना, तो दोनों वृत्त संपाती होते हैं। संपाती का मतलब अगर एक के ऊपर दूसरे को रख दिया जाए तो दूसरे से नीचे वाला ढक जाए, इसी को संपाती कहते हैं। तो जब दोनों वृत्त बराबर होंगे, दो वृत्त बराबर होंगे, तो अगर इस वृत्त को उठा करके इसके ऊपर रखा जाए तो ये वृत्त इससे ढक जाएगा, और जब ढक जाएगा तो जो त्रिज्या इस वृत्त की होगी वही त्रिज्या इस वृत्त की होगी। तो चौथे स्टेटमेंट में यही दिया है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो बात सही है, अगर दो वृत्त बराबर होंगे तो उनकी त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी, यह कथन सत्य है। अब इसके बाद हम पांचवें स्टेटमेंट को देखते हैं। पांचवें स्टेटमेंट में दिया हुआ है आकृति 5.9, इधर जो फिगर हम पहले से बना रखे हैं यही आकृति 5.9 है। देखे 5.9 में कहा जा रहा है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू, आप फिगर देखिएगा, अगर यह ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू बराबर एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल हो और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल हो तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो याद रखे रहिए, हम आपको पहले अभिगृहित में बताए थे कि अगर दो वस्तुएं अलग अलग किसी तीसरी वस्तु के बराबर हो, अगर यह वस्तु इसके बराबर हो और यह वस्तु इसके बराबर हो, तो ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पांचवा कथन है यह पांचवा कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। अब फर्स्ट में आपको दिया है समांतर रेखाएं। तो देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि समांतर रेखाओं को हम कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, अगर एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो समांतर रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है यह दूरी हर जगह एक समान होती है। तो जब दूरी हर जगह एक समान होगी तो चाहे इनको आगे बढ़ावें चाहे पीछे बढ़ावें, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो वे रेखाएं जिनको आगे अथवा पीछे के तरफ ले जाने पर एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब समांतर रेखाओं को जानने के लिए बिंदु को जानना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर बिंदु की पर बिंदु को परिभाषित नहीं किया गया। तो बिंदु को पर बिंदु की परिभाषा आपको बताया जा चुका है
कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी बिंदु को अन्य भाग में हम नहीं तोड़ सकते, अन्य भाग में नहीं काट सकते। अब इसके बाद सेकंड देखें, सेकंड में आपको दिया हुआ है लंब रेखाएं। देखिए लंब रेखाएं किनको कहते हैं यह भी जानना जरूरी है। तो लंब रेखाएं देखिए, अगर एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, अब इनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश है। तो लंब रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो परस्पर 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, उन रेखाओं को ही हम लंब रेखाएं कहते हैं। तो ये लंब रेखाओं की परिभाषा हो गई। इसके बाद थर्ड में आता है रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था कि वह भाग, किसी भी रेखा का वह भाग जिसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। अब इसके बाद आपसे कहा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले आप वृत्त के बारे में समझ लें कि वृत्त क्या है। तो देखें, कोई बिंदु इस प्रकार गति करे कि उसके किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव एक समान रहे, तो यह बिंदु जिस प्रकार के पथ पर गति करता है उस पथ को ही हम वृत्त कहते हैं। और यह जो निश्चित बिंदु होता है इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, तथा वृत्त के केंद्र और ये जो बिंदु का पथ होता है, बिंदु के पथ को हम परिधि कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या की अंग्रेजी रेडियस होती है, और रेडियस को आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद वर्ग। वर्ग की परिभाषा देखिए क्या है। तो वर्ग जो होता है यह एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसी आकृति को ही हम वर्ग कहते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तथा चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। और अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट तो करें ही, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।